लास्ट क्लास में हम लोग पढ़े थे ब्लड के बारे में, और हम एक डायग्राम बनाए थे हार्ट का, वहां पे कैसे ब्लड हार्ट में आता है और कैसे वो बाहर जाता है, ये सब के बारे में। तो आज हम आप लोगों को दिखा रहे हैं फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट। कि थोड़ा गौर से सुनिएगा, ये क्वेश्चन आ सकता है। देखिए, फ्रॉम द होल बॉडी, फ्रॉम द होल बॉडी क्यों सा ब्लड हो, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये सारे ब्लड जो है गोज टू राइट ऑरिकल ऑफ द हार्ट। क्योंकि हार्ट का चार चेंबर मैंने पढ़ाया, आप लोगों को दिखाए, ऊपर का दो चेंबर को बोला जाता है ऑरिकल, नीचे वाला को बोला जाता है वेंट्रिकल। तो ऊपर वाला चेंबर राइट साइड में जाता है। अब जो है, मैंने आप लोगों को ये भी बताया, जैसे हम लोगों को डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड है, हार्ट का भी डॉर्सल साइड वेंट्रल साइड है, तो दोनों साइड से ब्लड आता है राइट ऑरिकल में भाया वेना कावा। क्या? वेना कावा। डॉर्सल साइड का जो ब्लड, जो वेना कावा है, उसको बोला जाता है सुपीरियर वेना कावा, और वेंट्रल साइड का जो वेना कावा है उसको बोला जाता है इंफीरियर वेना कावा। यानी वेना कावा आर द मेन वेन्स, ओके, दे कैरी ब्लड टुवर्ड द हार्ट। ओके, नाउ फ्रॉम द राइट ऑरिकल एज ब्लड इज लिक्विड नेचुरली इट विल फ्लो डाउनवर्ड्स, इट विल फ्लो टू, इट फ्लोस टू राइट वेंट्रिकल, and that flow is controlled by tricuspid valve, flap-like structure, that allows only one-way traffic of blood. और नीचे से फिराया तो वो खुल जाएगा, इस तरह की होता है। मान लो ये दीवार है, इस तरह की ऊपर से नीचे आएगा, लेकिन नीचे से जाएगा तो ये ऊपर आ जाएगा, तो tricuspid valve। ये right heart ventricle, यानी राइट साइड ऑफ द हार्ट ऑलवेज कंटेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। नाउ फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल द ब्लड मूव्स टू लंग्स। लंग्स आप लोग जानते हो दो साइड का है, मैंने पढ़ाया आप लोगों को, राइट साइड लेफ्ट साइड, उसका राइट साइड का तीन लोब है, लेफ्ट साइड का दो लोब है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है राइट वेंट्रिकल से जाता है लंग्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, फाइनली थ्रू पल्मोनरी आर्टरी, इट इज एन आर्टरी बिकॉज इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट, हार्ट से दूर ले जा रहा, बट इट इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, इट इज द ओनली आर्टरी दैट कैरीज डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड, कीप इट इन माइंड। एंड फ्रॉम राइट वेबिंग फ्रॉम द लंग्स, व्हाट हैपेंस इन द लंग्स, एक्सचेंज ऑफ गैसेस होता है, ब्लड बिकम्स ऑक्सीजनेटेड, एंड दैट ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लोस टू लेफ्ट ऑरिकल थ्रू पल्मोनरी वेन, फाइंड इट एज द वेसल्स कैरी ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, दैट इज व्हाई दे आर वेन्स, पल्मोनरी वेन्स, एंड दे आर द ओनली वेन्स व्हिच कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। क्या बोलना है, ठीक है। From left auricle, the blood once again it goes down to left ventricle, and that flow is controlled by two flap structure that is called bicuspid valve. Okay, and from the left ventricle, the blood is distributed from the whole body via aorta, A-O-R-T-A. Aorta. तो वंस अगेन डॉर्सल एंड वेंट्रल है साइज, तो इसीलिए डॉर्सल aorta एंड वेंट्रल aorta। और एक चीज याद रखिएगा, ब्लड हार्ट सबसे पहले ब्लड को देता है किसको, खुद को, थ्रू कोरोनरी आर्टरी, थ्रू कोरोनरी आर्टरी। तो ये है मोटा मोटी फ्लो चार्ट ऑफ ब्लड थ्रू हार्ट, याद रखना, ये नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्लॉटिंग ऑफ ब्लड, जिसको बोला जाता है कोआगुलेशन।
क्लॉटिंग ऑफ ब्लड और कोआगुलेशन। क्योंकि देखो अगर ब्लड कहीं गंदों को काट गया, ब्लड अगर लगातार निकलते जाएगा, इन दैट केस जो ब्लड है अपना शरीर से निकल जाएगा एंड द बॉडी कैन नॉट फंक्शन, ओके, एंड इट मे बी फैटर। सो नेचर हैज इट्स ओन रिकवरी प्रोसेस एंड दैट रिकवरी प्रोसेस इज क्लॉटिंग एंड विच इज ऑल्सो कॉल्ड कोआगुलेशन। हाउ इट हैपन्स, आई एम गिविंग यू अ नोट, प्लीज राइट इट डाउन। Now, injured tissue cells and disintegrated platelets, platelets jo hai, theek hai, blood mein, at the site of wound, jahan pe jakhm hua hai, wahan pe jo, jo tissue, injured tissue cells ki platelets, wo kya karta hai, release thrombokinase. वो क्या रिलीज करता है, किस्म का सब्सटेंस जिसको बोला जाता है थ्रोम्बोकाइनेस। अब थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है, ये जो ब्लड का प्लाज्मा में रहता है प्रोथ्रोम्बिन, वो है इनएक्टिव स्टेज में, वो रहता है इनएक्टिव स्टेज में, वो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोकाइनेस कन्वर्ट्स प्रोथ्रोम्बिन इनएक्टिव स्टेज में रहता है इनटू एक्टिव थ्रोम्बिन, वो एक्टिव होता है। और इसमें इसका सहायता से द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन्स, ठीक है ना। थ्रोम्बिन देखो, थ्रोम्बिन इन टर्न वंस अगेन विद द हेल्प ऑफ कैल्शियम आयन, ये थ्रोम्बिन जो है ये फिर कैल्शियम आयन के सहायता से क्या करता है, जो ब्लड में जो प्लाज्मा में रहता है सोल्युबल हिसाब से फाइब्रिनोजन, अब फाइब्रिनोजन जो भी बोलोगे उसको इनसोल्युबल फिब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। ये क्या करता है ना, एक नेटवर्क की तरह ये बना देता है, स्ट्रक्चर बना देता है जख्मी जगह, और ये नेटवर्क से कोई सेल आगे नहीं बढ़ पाता है, बट एक लिक्विड निकल आता है देखना ना स्ट्रॉ कलर का, दैट इज कॉल्ड सीरम, वो भी जो अमरीक में है। The help of calcium ions convert soluble fibrinogen into insoluble fibrin, which form a sticky network at the wound. Blood cells are trapped in the network while the rest of plasma form a clear liquid, which is called serum. ये serum आप लोगों को जानकारी करना बहुत जरूरी है। Next class में आप लोगों को हम देंगे और लोग। Okay, thank you.